चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर विवाद अभी भी जारी है। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट में केंद्र से जवाब मांगा था। 20 मार्च को केंद्र ने कोर्ट में हलफनामा दाखिल करते हुए अपना जवाब दिया है, जिसे लेकर बयानबाजी तेज है। तो क्या कहा केंद्र ने, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के पहले केंद्र सरकार ने 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की। आनन फानन में की गई ये नियुक्ति मोदी सरकार के लिए आसान नहीं थी। इस नियुक्ति पर विपक्ष रोक लगाने की मांग कर रहा था और इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दाखिल की गई। ये याचिका कांग्रेस कार्यकर्ता जया ठाकुर ने दाखिल की थी। पीठ ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था और 20 मार्च को केंद्र ने कोर्ट में हलफनामा देते हुए मामले में अपना जवाब दाखिल किया। केंद्र ने कहा कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में जज का होना जरूरी नहीं। सरकार का मत है कि विपक्ष की ये दलील आयोग की स्वतंत्रता तभी होगी जब सिलेक्शन पैनल में कोई जज जुड़ा हो, ये गलत है। इलेक्शन कमीशन एक स्वतंत्र संस्था है और इस याचिका का मकसद सिर्फ राजनीतिक विवाद को खड़ा करना है। आपको बता दें, कांग्रेस नेता जया ठाकुर ने अपनी याचिका में नए कानून के मुताबिक चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को रोकने की बात कही थी। नए कानून के मुताबिक चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए गठित कमेटी में पीएम समेत विपक्ष का एक नेता और एक केंद्रीय मंत्री शामिल है, जिस पर विपक्ष का आरोप है कि इस चयन प्रक्रिया के तहत सरकार की पसंद से ही नियुक्ति की जाएगी, जिसे केंद्र ने अपने हलफनामा में महज राजनीतिक विवाद करार दिया है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।